अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक अफोर्डेबल मेकअप हॉल है। मैंने ये चीज़ें कहाँ से ख़रीदी हैं और क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं आज की इस वीडियो में जो है आपके साथ वो डिस्कस होगा। सबसे पहले ये मैंने इसका रैपिंग वगैरह सब उतार ली थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये है सिल्डन फेस एंड ब्यूटी हेयर थ्रेडिंग सिस्टम। मैं चूँकि इसको अभी ही ओपन कर रही हूँ लेकिन ये मैंने यूज़ कर लिया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये इसकी क्वालिटी क्या है और वर्थ क्या है। ठीक है, अंदर से कुछ इस तरह से है और इसके अंदर इसकी जो है वो यूज़र गाइड मिलती है आपको। ठीक है, इस पे सारा लिखा होता है कि आपने इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी यूज़र गाइड लिखी हुई हैं। इसको मैंने टेस्ट किया है, यूज़ किया है। ये जो है ये उसके जो हैं वो थ्रेड्स दिए गए हैं ताकि आपका अगर एक थ्रेड ख़राब हो जाए तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सको। ठीक है, ये सारे वो थ्रेड्स हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा मेन जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है सिल्डन और इसको मैंने यूज़ किया है। इस तरह से आप इसको यूज़ करोगे। आई होप यू कैन सी, ये मतलब मैं आपको अब यूज़ करके मतलब मैं किस तरह से दिखाऊँ। यूँ आपने रखना है, ठीक है, अपनी स्किन जो भी टाइट करनी है और इसके ऊपर ये इस तरह से इसको यूज़ करना है आपको। इसको मैंने यूज़ किया है तो प्राइसेस मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की जो हैं वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। जिस पेज से मैंने लिया है स्क्रीन पे आप वो पेज देख रहे होंगे, ऑनलाइन अफोर्डेबल, वन ऑफ़ द बेस्ट अफोर्डेबल मेकअप इंस्टाग्राम पेज। और मैं मतलब जब भी मुझे कोई अफोर्डेबल हॉल करना होता है या जो है वो रीज़नेबल प्राइस में कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं हमेशा इनसे बाय करती हूँ बिकॉज़ दे आर द बेस्ट। बिल्कुल कस्टमर को धोखा नहीं देते और बहुत अच्छा गाइड करते हैं, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, इसकी बात करें तो मैंने इसको यूज़ किया है तो इसके कोई 100% रिज़ल्ट नहीं है। मैंने मतलब अपर लिप्स के लिए इसको मंगवाया था बट ये बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इतना नीट काम नहीं करता। मतलब एक तो टाइम बहुत लगता है इसको करने में, दूसरा ये कि बाल उतनी अच्छी तरीके के साथ ये उतरते नहीं हैं। ठीक है, आपके अपर लिप्स वाला एरिया और चिन एरिया हो गया, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप इसको जो है वो अपने रिस्क पर लेना चाहें तो ले सकते हैं बट अदरवाइज़ ये कोई इतना क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो सारी इसमें है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी इनकी पैकेजिंग है, लाइक इस तरह से ये लोग टाइटली पैक भेजते हैं। मैंने इसलिए रखी हुई थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इस तरह से बिल्कुल पैक्ड होते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डैमेज ना हो सकें। और मैंने क्या मंगवाया है जनाब, इसमें ये है एक पीके का लाइनर जो कि मैं यूज़ किया और मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने इसको रीपरचेज़ किया है। एक ये है, ठीक हो गया। कुछ लिप ग्लॉसेस मंगवाए हैं और ये जनाब इसके बारे में जो शो स्टॉपर प्रोडक्ट है इसके बारे में हम इसको फेंक देते हैं। जनाब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं इसके साथ। अच्छा, बात करते हैं हम सबसे पहले एपीके के आईलाइनर की। आप लोग जानते ही हो कि एपीके के प्रोडक्ट्स मैं कितने ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, रीज़नेबल होते हैं और ये बहुत अमेजिंग होते हैं। ये इनका आईलाइनर मैंने मंगवाया, आप इसकी आउटर पैकेजिंग देखें कितनी अमेजिंग है। ठीक है, और इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो अंदर से तो ये इससे भी ज़्यादा हसीन है। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये मैंने ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी लेकिन ना फिर ये ख़त्म हो गया तो मुझे इसको रीपरचेज़ करना पड़ा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसकी फैल टिप है, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसकी आउटर पैकिंग है। ये मैंने जो है वो परचेज़ किया है, प्राइसेस मैं आपको जो है वो साथ साथ बताती जाऊँगी। ओके जी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये ग्लॉसेस मैंने मंगवाए हैं मिस रोज़ के 6। ठीक है, इसमें आपको पता है 2 सेटिंग्स आती हैं बट मुझे जो है वो कलर्स थोड़े मतलब एक सेट में एक पसंद थे 3 और एक सेट में एक पसंद थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वरना कोई पेज मिस रोज़ का कस्टमाइज़ करके नहीं भेजता। बट ऑनलाइन अफोर्डेबल वाले कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए, डिमांड्स को अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मेरी मर्ज़ी के कस्टमाइज़ कलर बनवा के दिए हैं। ठीक है, और ये एक ग्लॉस है, आई लव रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लॉस है। इसको भी मतलब इनके पेज पे जो ब्रांडेड मेकअप होते हैं वो भी ऑथेंटिक मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइजेज में, जिसे ये ब्रांडेड लेफ्ट ओवर भी बोलते हैं। मैं आपको ये ऑनलाइन अफोर्डेबल जो है पेज 100% रिकमेंड करती हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह रिग्रेशन नहीं होगा। ओके, ये आई लव रेवोल्यूशन का शेड है मेरे पास,
ठीक है, आई हार्ट चॉकलेट लिप ग्लॉस है ये बिल्कुल। और आपको आपको शायद पता नहीं है बट ये कि मुझे जो है वो लिप ग्लॉसेस बहुत पसंद है। इसका नाम है जी चॉकलेट, चॉकलेट ऑरेंज इसका जो है वो शेड है। और अगर आपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो तो यहाँ पर इनका ये बार कोड लिखा हुआ है, इसको स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा कितना ऑथेंटिक है। मुझे तो इन पे बहुत ट्रस्ट है बिकॉज़ मैं अपना अफोर्डेबल मेकअप इन्हीं से ही बाय करती हूँ। ठीक है, तो मैं ये आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा न्यूडिश सा शेड है, आई लव न्यूड कलर्स। ये बहुत प्रिटी सा न्यूडिश सा पिंकिश ऑरेंजिश जो है वो शेड है। अब मैं मिस रोज़ के आपको जो है वो शेड स्क्रीन पे भी शेड जो है वो मेंशन होते जाएंगे, सो परेशान होने की बात नहीं है। ये जो अभी शेड मैंने अभी इसको टेस्ट किया है ये मेकअप रेवोल्यूशन का है इन शेड चॉकलेट ऑरेंज लिप ग्लॉस है ये। अब मिस रोज़ के शेड्स की बात करते हैं तो मेरे पास जो उनका पहला शेड आ रहा है वो है 19, नंबर 19। और इसके अंदर हल्की सी शीन है, थोड़ा सा मतलब ये शाइनी में है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है ये, दिस इज़ द नंबर 19। बहुत ये मतलब मिस रोज़ की आपको पता लिपस्टिक्स मुझे बहुत पसंद है और अभी मैंने कहा इनके ग्लॉसेस नहीं ट्राई किए। उसके बाद ये है जी इसका नंबर 14। इसके अंदर भी हल्की सी शीन है और ये शीन बहुत प्यारी लगती है लिप्स पर लगे हुए, बाकियों का पता नहीं बट मुझे ग्लॉसी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये भी मैं आपको स्वाच करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना प्यारा पिंकिश है, कैम पे शायद आपको डार्क पिंक लग रहा हो बट ये रियल में बहुत प्यारा सा न्यूडिश सा पिंक कलर है, डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला। और इसके अंदर हल्की सी शिफ्ट है, दिस इज़ अ नंबर 14। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो हमारे पास शेड है वो है नंबर 18। ये उससे भी ज़्यादा लाइट कलर है न्यूड में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल न्यूड कलर है, बहुत ज़्यादा न्यूड है ये। आई होप यू कैन सी, आपको नज़र आ रहा हो, ये दिस इज़ द नंबर 18। ये 18 शेड है और ये मैट है, मतलब इसके अंदर वो शीन सी नहीं है। ठीक है, ये जो दो शेड्स मैंने चेक करवाए इसके अंदर थोड़ा सा ग्लॉस जो है वो शीन था। उसके बाद एक और शेड है नंबर 17, इसके अंदर भी शीन है, इसके अंदर भी शीन है और ये भी मतलब लाइक शाइन करता है। दिस इज़ द नंबर 17, बहुत प्यारा पिंक सा कलर है। और ये आपने मतलब कोई लिपस्टिक लगाई उसके ऊपर भी आप इसको एज अ टॉप अप कर सकते हैं, जैसे आप काशीज़ के जो है वो मेकअप देखते हो। दिस इज़ द नंबर 17। उसके बाद ये है नंबर 20। ओके, दिस इज़ द शेड 20। ये बहुत प्यारा ऑरेंजी ब्राउनिश न्यूड सा कलर है, बहुत प्रिटी है ये शेड नंबर 20 है। ठीक है, और लास्ट में जो शेड है हमारे पास वो है 21। इनकी दो अलग अलग सेटिंग जैसे मैं बता चुकी हूँ लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कलर बनवाए हैं। उनकी ऑनर जो है बहुत स्वीट है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वरना मिस रोज़ की जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने तो सख्ती से मना किया जी हम आपको पूरी पूरी सेटिंग खरीदनी पड़ेगी, बट इन्होंने इनकी ऑनर बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि आप हम आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको दे देंगे। ये देखें बहुत प्यारा, ये भी न्यूडिश सा कलर है, ये है 21 कलर। सो ये सारे के सारे जो हैं वो स्वाचेज़ हैं, आप लोग देख सकते हो, देखें कितने खूबसूरत हैं। इनमें से वन टू थ्री थोड़े से ग्लिटरी हैं, बाकी वन तीन ग्लिटरी हैं और तीन बिल्कुल मैट से हैं, मतलब ये बहुत प्रिटी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं यहाँ पर ये। अच्छा, ये थोड़ा सा खोलने में मुझसे डैमेज होगी इसकी पैकिंग बट इट्स ओके। ये APK का मुझे मैंने मंगवाया है जेल लाइनर अंडर आइज़ पे लगाने के लिए, क्योंकि वो आँख पता है आपको स्मजी हो जाती हैं। सो ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है और ये अंदर छोटे से ब्रश मिलते हैं, ठीक हो गया, और साथ में ये चुन्नू मुन्नू से जो हैं वो लाइनर मिलते हैं। इसका इस पे जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि जी ये स्मज प्रूफ प्लस वाटर प्रूफ है। सो लेट्स सी के मतलब क्लेम ठीक भी है कि नहीं। ये भी मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे लिया था,
अब देखते हैं, ये मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है, ना मैंने इसको ट्राई किया है, बस मैंने ये ट्राई किया, इसका टेस्ट किया था ताकि मैं इसका आपको रिव्यू ठीक से दे सकूँ। ये मत लीजिएगा, ये अच्छे से जो है ना वो नहीं उतार रहा बाल वगैरह। ठीक है, इसको चले मैं खोल लेती हूँ, थोड़ा सा बस खोलते हैं। और ये तो ब्राउन कलर में है, आप मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको। ये देखें, है तो बहुत क्रीमी, ये ब्राउन शेड है इसका, ब्राउन में है ये देखें। और जेल लाइनर्स की सबसे अच्छी, आपने ख़ुद ख्याल रखना होता है, ये जो इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल दी होती है इसको मत उतारा करें, इसका ब्रश बहुत अच्छा है सॉफ्ट सा, इसे मत उतारा करें बिकॉज़ ये फिर जो है ना वो डैमेज हो जाता है। देन उसके बाद जो है ये उसका ब्लैक कलर है जिसकी वजह से मैंने ये ख़रीदा, कि आइज़ में इरीटेशन ना हो, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, कोल आइज़ लगें। इसको अब टेस्ट करते हैं, है तो मतलब बहुत अच्छा, लेट्स सी के चेक करते हैं कि कितना अच्छा है। ठीक है, ये देखें, ये उसका ब्लैक है, ये ब्राउन है, और ये जो APK का लाइनर है, आप लोगों ने मेरी बहुत सी वीडियोस में APK के प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं, वो हैं ही बहुत अच्छे, तो मैं रिकमेंड करती हूँ। ये APK के जेल लाइनर्स हो गए। ठीक है, अब ये ड्राई होने तक हम इसकी बात करते हैं, शो स्टॉपर की। जी हाँ, दिस इज़ द बेका हाईलाइटर, शिमरिंग हाईलाइटर पाउडर। आपको पता है बेका एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जहाँ पे ये उनके बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये 100% ऑथेंटिक है। इसके पीछे जो है इसका बारकोड लिखा हुआ है, किसी की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है तो आप उसका बारकोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ जो इसकी लिखी हुई है वो 24 मंथ्स लिखी हुई है। ठीक है, ये खूबसूरत सी इसकी इस तरह की शाइनिंग सी पैकेजिंग है, अंदर उन्होंने ये स्पॉन्ज एक रखा हुआ है जो कि हाईलाइटर में नहीं होता, बट ऑनर कह रही थी क्योंकि हाईलाइटर्स ऐसे होते हैं, नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं, हम उसके अंदर ये एक स्पॉन्ज लगा के भेजते हैं ताकि हाईलाइटर्स टूटे ना। ये भी बड़ी एक अच्छी सोच है प्रोडक्ट को सेव करने की। अंदर से कुछ इस तरह से है ये बेका का, आपने बहुत नाम सुना होगा, इंटरनेशनल जितनी भी ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं सभी ऑलमोस्ट ये यूज़ कर रही होती हैं। इसमें जो मेरे पास शेड है वो है जी, फेमस शेड है इसका शैम्पेन पॉप, जी इसका शैम्पेन पॉप शेड है, और ओपन करने पर ये कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये इसके ऊपर इसकी शीट है बेका की, और अब हम इसका स्वाच कर लेते हैं। ये देखें, ये इसका स्वाच है, लेट्स सी कि ये किस तरह का है, यहाँ पे करते हैं। बहुत खूबसूरत सा सटल सा जो है ये प्रोवाइड करता है, बहुत खूबसूरत है, सटल सा, ये देख लें आप लोग, ये इसकी सटल सी शीन है। पता नहीं अब ये लाइट में फील हो भी रही है कि नहीं, बट ये बहुत प्यारा सटल सा है। ये दिस इज़ द ऑथेंटिक प्रोडक्ट, और अगर आप इसको देखते हैं, ओके जी, ये पता नहीं अब आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट ये मैंने यहाँ पे इसका स्वाच किया, आई थिंक नहीं है नज़र आ रहा लाइट की वजह से, बट दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट, बेका का शैम्पेन पॉप हाईलाइटर, कमाल है। मैं एक दफ़ा फिर से इसका स्वाच कर देती हूँ, शायद आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखें कुछ फील हो रहा है, ये हाथ की बैग पे नहीं था फील हो रहा, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सटल सा देता है, और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये फेक नहीं है। इसके बैग पे जो है इसका सारा कुछ लिखा हुआ है। रही बात इन लाइनर्स की, तो ये स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ नहीं है, सिर्फ क्लेम था, बट इट्स ओके, APK के तमाम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और ये लिप ग्लॉसेस के स्वाचेस हैं, देख लें आप लोग। ओके, अब हम इनकी प्राइसेस की बात करते हैं। अच्छा, जो ये है ना सेल्डन, इसको मैंने ख़रीदा, इसकी जो प्राइस है वो 450 है। स्क्रीन पे भी प्राइसेस जो हैं वो मेंशन है, आप देख लीजिएगा, मैं पेज टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर खोला करें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप उनके पेज पे जब जाएंगे उस लिंक के थ्रू, तो आपको खुद बहुत आइडिया हो जाएगा। ये 450 का बाय किया है, APK का जो ये लाइनर है, ये इसकी प्राइस 500 है। ठीक है, आई थिंक हाँ जी, ये 500 का है। और उसके बाद जो है ये आई लव रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन का जो ये लिप ग्लॉस है, जिसका ये वाला शेड है बहुत प्रिटी चॉकलेट ऑरेंज, ये 200 का है। और ये जो है मिस रोज़ के लिप ग्लॉसेस, ठीक है, इनका जो 6 का सेट है वो 1000 रुपये का है, 1000 का। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के कस्टमाइज कलर बनवाए थे मिक्सअप, मैंने सेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिया। ये 6 जो हैं लिप ग्लॉसेस मुझे जो हैं वो 1000 के पड़ गए थे। उसके बाद जो है ये APK के जो जेल लाइनर्स हैं, ये 400 इनकी प्राइस है। और शो स्टॉपर बेका का जो ये शैम्पेन पॉप हाइलाइटर है,
इसकी प्राइस 1200 है जी। बिल्कुल आप शॉक हो रहे होंगे कि दूसरे पेजेस पे बैका का जो हाइलाइटर है ये फुल साइज़ है, बड़ा है। इसमें छोटा वाला भी मिलता है, बट वो ओरिजिनल जो इसकी वाकई में ओरिजिनल जो प्राइस है इसकी वो है ऑलमोस्ट 6000 समथिंग या 7000 समथिंग है। बट ये ब्रांडेड लेफ्ट ओवर में है, मतलब जो प्रोडक्ट्स फर्दर आने बंद हो गए हैं तो उनको वो इस तरह से पेजेस पे अफोर्डेबल पेजेस पे दे के लो प्राइस में वो सेल करवा देते हैं। ब्रांडेड लेफ्ट ओवर क्या होते हैं, आप ऑनलाइन अफोर्डेबल पर जाएंगे, उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है। तो मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के भी ब्रांडेड लेफ्ट ओवर में से लिया है, और ये बैका का शैम्पेन पॉप हाइलाइटर भी वहाँ से लिया है। 1200 कहाँ और 6000-7000 कहाँ, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है यार। मतलब लुक एट दिस, दिस इज़ एन अमेजिंग। ये देखें इसका स्वाच कितना प्रिटी है, ये बिल्कुल सटल सा है। सो प्राइसेस जो हैं वो आप उनके पेज पे जाके कंफर्म कर दीजिए, उनकी ऑनर बहुत अच्छी और स्वीट है, आपके साथ कोऑपरेट करेंगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ना आपको जो है वो कह लें कि डिफ़िकल्टी होगी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो ढूंढने में या मिलने में, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो अब हम जो है ना वो क्या करें, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट्स आपको ऑथेंटिक मिलेगी, मैं गारंटी देती हूँ, मेरी रिकमेंडेशन और गारंटी पर आप वहाँ से लें, बाकी पेजेस की मैं गारंटी नहीं देती। सो आज का ये था रिव्यू, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आप हैंडल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मस्ट कीजिए, और जो है इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी अपना। तब तक बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।